आपने हाल ही में सोशल मीडिया पर कई वीडियो जरूर देखी होगी जिनमें विमान में यात्रा कर रहे यात्रियों के द्वारा क्रू मेंबर्स या सह यात्रियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। अब एक ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। दरअसल एयर इंडिया की दिल्ली से लंदन जा रही फ्लाइट में सोमवार को एक यात्री ने हंगामा कर दिया। इसके बाद विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया जहां पैसेंजर को फ्लाइट से उतार दिया गया। इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल पंजाब केसरी को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में, मैं हूं आपके साथ उद्देश्य। आपको बता दें कि एयर इंडिया फ्लाइट AI-111 जिसमें करीब 225 यात्री सवार थे, उसमें एक यात्री ने उपद्रव मचाकर हंगामा कर दिया। इसके बाद क्रू ने उसे एयरपोर्ट पर उतारा और फ्लाइट दोबारा लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। बता दें कि एयर इंडिया ने इस मामले में कहा है कि दिल्ली से लंदन जाने वाली फ्लाइट उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही वापस लौट आई। इसमें एक यात्री ने उपद्रव कर दिया, उसने मौखिक और लिखित तौर पर दी गई चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर दिया और उपद्रव जारी रखा। उसने केबिन क्रू के सदस्यों के साथ हाथापाई की, जिसमें दो को चोट आई है। बाद में विमान को दिल्ली लौटाया गया और लैंडिंग के बाद शख्स को सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया। उसके खिलाफ एक FIR भी दर्ज करवा दी गई। बता दें कि ये मामला कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आपने शंकर मिश्रा के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसने नशे में धुत होकर एक महिला के ऊपर पेशाब कर दिया। पता नहीं ऐसे और कितने मामले सामने आने वाले हैं जिसमें यात्रियों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार का अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।